तो हम कोशिश करते हैं घर जाने की, पर तुम हर बार रोक देती हो हमें। हर बार जल्दी करो। हाँ हाँ बोला, अभी पैकअप हो गया हमारा, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है क्योंकि हमें एक टेली रिपोर्टर ने रोक दिया है इंटरव्यू के लिए। तो हम जो डिसाइड करने वाले थे, हम क्या करने वाले, वो इस फाइट के बाद करेंगे। हमारे चेहरे पे देख रहे हो तुम, खुशी इतनी ही होती है अगर कोई रोकता है हमें तो। शूटिंग करेंगे और क्या। नहीं मैं नहीं करूँगा। ओ कुणाल का बहुत लंबा प्लान है एक्चुअली, वो मैं बाद में बताऊँगा नेक्स्ट इंटरव्यू में। इस बात को छोड़ के देखो, हम सुबह को उठते हैं, सेट पे आते हैं, रात को पैकअप होता है, वहाँ से हम जिम जाते हैं। मैं जिम, ये सुबह जाता हूँ, 3 बजे जिम जाता है और मैं रात को पैकअप के बाद जिम जाता है। तो हमारा यही प्लान रहता है, हमारी यही रूटीन रहती है, हमारी बहुत ही रेगुलर और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लाइफ है। सो बस इतना ही। हाँ ऑब्वियसली हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और हम यहाँ पे सेट के कपड़े पहनने पड़ते हैं। अब नहीं पहने, ये सवाल हमने स्टार्टिंग ऑफ द शो में किया था, अब वो बहुत ही स्टेल सवाल हो गया, तो कुछ नया पूछे। सुनो 6 महीने हो गए शो को, 5 महीने बहुत ही इनिशियली चल रहा है, बहुत ही इनिशियल स्टेज ऑफ द शो में ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे हमें, और अभी तो बहुत सारे थे। विग अभी यूज्ड हो गया मैं विग के। आपने विग लगाई कभी, तो आप कभी समझ नहीं सकती कैसा फील होता है। मैंने लगाई थी, मेरे में 5,000 पिंस थी। बहुत टफ होता है विग के साथ शूट करना और सीन्स देना। आई वुड जस्ट लाइक टू से प्लीज इन्हें माफ़ कीजिएगा, ये नहीं है, इनसे गलती हुई, हमें रोका, बट अच्छा हुआ हमें रोका, पर इन्होंने अच्छे सवाल नहीं पूछे। पर हम आपको ये कहना चाहेंगे कि थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज डू कीप वॉचिंग इश्बाज़ एट 10 PM ऑन स्टार प्लस। थैंक यू, बाय।